हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अफेंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमारा चल रहा था, जिसमें अब तक हम अगर देखा जाए तो टोटल 26 जो है लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा 27th, ये होगा मेगालिथिक कल्चर का पार्ट 3। मेगालिथिक कल्चर हमने लास्ट दो लेक्चर से जो लॉन्च किया था, आपको पता ही होगा, लास्ट दो लेक्चर आपने देखे होंगे। अभी आज का जो लेक्चर होगा मेगालिथिक कल्चर के ऊपर, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस जो है मेगालिथिक कल्चर का पता होना चाहिए। सिलेबस हम 2-3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था कम्युनिटी लाइफ सेटलमेंट पैटर्न्स, मतलब प्रॉपर मेगालिथिक कल्चर को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये मेगालिथिक कल्चर का नहीं है, मैं बार बार बता दूंगा। अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा फर्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर, जो कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो टॉपिक है, मैंने बताया था। फिर हमने मेगालिथिक कल्चर का इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है मेगालिथ्स, मेगालिथिक क्या मतलब मेगालिथ्स क्या होते हैं, मेगालिथिक कल्चर क्या होता है। उसके बाद ओरिजिन देखा हमने मेगालिथिक कल्चर का। फिर डेट एंड एक्सटेंट के बारे में देखा। जो ओरिजिन है ना, इसमें हमने वर्ल्ड लेवल पर भी देखा था कि मेगालिथिक कल्चर कहाँ कहाँ पर ओरिजिन उठा था और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। जैसे कि मेगालिथिक कल्चर जो है, सबसे पहले हमने देखा था कि मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, और फिर वहाँ से किस तरीके से वो फैला है पूरी दुनिया में। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सबसिस्टेंस पैटर्न वगैरह जो है उसमें भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और सबसिस्टेंस पैटर्न होता क्या है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपको अभी भी पता नहीं कि सबसिस्टेंस पैटर्न क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आती है, ये जो कीवर्ड है ना सबसिस्टेंस पैटर्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट लेक्चर देख लो। ओके, सो आज हम आगे जो डिस्कस करने वाले वो है हमारा हंटिंग एंड फिशिंग, और इसके बाद डिस्कस करेंगे हम टेक्नोलॉजी, जिसमें कि इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट वगैरह आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर को देखा, किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुआ था, और एक तरीके से एग्रीकल्चर या फिर जो मेगालिथिक कल्चर है उन्होंने एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रैक्टिस किया था, और साउथ इंडिया के या फिर पेनिनसुलर इंडिया के जो हिस्ट्री जो है इसमें किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी जो मेगालिथिक कल्चर वालों ने जो इन्वॉल्व मतलब इन्वेंट की थी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो आज हम देखेंगे हंटिंग एंड फिशिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हंटिंग एंड फिशिंग जो है ना, ये मेगालिथिक कल्चर की प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं थी। उनकी जो प्राइमरी जो प्रोफेशन था, जो ऑक्यूपेशन था, वो था एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म। तो हंटिंग एंड जो फिशिंग थी ना, ये उनकी सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज थी, हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम बोल सकते हैं कि ऑगमेंटेशन के लिए। ऑगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो देखो अभी मेगालिथिक कल्चर जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे और पास्टोरिस्ट थे, तो इनका जो एक होता है ना सेकेंडरी एक्टिविटी कुछ ना कुछ होना चाहिए, सेकेंडरी तो नहीं बोल सकते, सप्लीमेंट्री एक्टिविटी जो है ना होना चाहिए फूड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए। अगर सपोज किसी साल जो सूखा आ जाता है, एग्रीकल्चर जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं होता है, या फिर कोई भी अगर क्राइसिस आ गए फूड क्राइसिस, तो एक आपके पास एक जो है ना बैकअप होना चाहिए। तो हंटिंग एंड फिशिंग जो थे ना, ये बैकअप की तरह काम करता था। तो अवेलेबल जो एविडेंसेस है हिस्टोरियंस के पास, वो पता मतलब उनके बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि जो हंटिंग एंड फिशिंग जो थी ना उनकी सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ थी एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म के लिए। एक्सकर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिले हैं, जैसे कि जो कि वो यूज़ करते होंगे हंटिंग एंड फिशिंग के लिए, जैसे कि एरो हेड्स हो गए हंटिंग के लिए, फिर स्पीयर्स मतलब भाले वगैरह, टाइगर्स मतलब जो खंजर होते हैं ना वो हंटिंग पर्पज के लिए शायद वो यूज़ करते होंगे। काफ़ी आसान टॉपिक है, ज़्यादा कोई मुश्किल यहाँ पे है नहीं। फिर काफ़ी ज़्यादा आपको जो वाइल्ड स्पेसेस है इसके भी बोन्स मिलेंगे, जो एक्सकर्वेशन हुआ है। हम क्यों बोल रहे हैं कि वो हंटिंग वगैरह करते थे, क्योंकि वाइल्ड जो स्पेसेस है ना इनके बोन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जब एक्सकर्वेशन हुआ था। तो इससे आपको पता चल रहा है कि वो सांबर, पिकॉक और बार्किंग डियर, बोअर, हाइना, इस तरीके के कई ज़्यादा जो वाइल्ड स्पीसीज थी इनकी क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और आपके डाइट को क्या करते थे, सप्लीमेंट करते थे, प्रोटीन वगैरह ऐड करते थे। अभी कुछ ऐसे साइट्स है जहाँ पे आपको स्केलेटन्स मिलेंगे फिशेस के, तो फिशेस के स्केलेटन मिले हैं मतलब कि वो फिशिंग भी करते होंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि साउथ इंडिया जो है मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, यहाँ पे आपका मेगालिथिक कल्चर था, और यहाँ पे चारों तरफ मतलब समंदर है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो रिवर्स भी काफ़ी थी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तो फिशिंग तो वो करते होंगे, ये तो मतलब समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली। तो फिश हुक्स मिले आपको, फिश हुक्स मतलब जिसमें फिश को पकड़ा जाता है जब फिशिंग वगैरह होती है ना, तो फिश हुक्स का इस्तेमाल करके आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर टीवी सीरियल्स में कि फिश हुक्स का इस्तेमाल करते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। तो ये एक मेगालिथिक साइट्स है तमिलनाडु में, कुछ मेगालिथिक साइट्स है यहाँ पे आपको फिश हुक्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी आसान टॉपिक था हंटिंग एंड फिशिंग के बारे में जो हमने डिस्कस किया, आसान है, सप्लीमेंट्री डाइट की तरह काम करते थे और फूड क्राइसिस वगैरह में हेल्पफुल थे,
और फिशिंग आज आप अगर आप देखें तो मेन जो है ना डाइट है फिश वगैरह साउथ इंडियन लोगों का। तो नेक्स्ट जो है हमारे हमें देखना है टेक्नोलॉजी के बारे में, अभी किस तरीके से टेक्नोलॉजी कल डेवलपमेंट हुई थी, इंडस्ट्रीज क्राफ्ट वगैरह किस तरह से डेवलप हुए थे, और क्या क्या क्राफ्ट और क्या क्या जो इंडस्ट्री जो इन्होंने डेवलप की थी अभी हमें उनको देखना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था सब मतलब काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले जो लेक्चर्स हम हिस्ट्री ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से ही, मैंने बताया बहुत बार कि एग्रीकल्चर जब सरप्लस होता है मतलब एग्रीकल्चर जब सरप्लस में जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है तब सेडेंटरी जो लाइफ है ना वो स्टार्ट होती है। एक जगह पे लोग तभी रहते हैं जब एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब पास्टोरलिस्ट थे, जब वो हर्डिंग वगैरह करते थे, हंटिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, तब वो एक जगह पे नहीं रहते, तब वो मोबाइल थे, नोमैडिक थे। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया अराउंड नियोलिथिक फेज जब स्टार्ट होता है तब 10,000 12,000 BC के आसपास, तो फिर वो सेडेंटरी लाइफ जीने लगे। तो सेडेंटरी लाइफ मतलब क्या, एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आएगा सेडेंटरी लाइफ आ गई, एक दूसरे के लिए कोरिलेवर मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, दोनों जो चीज़ें दोनों जो कंसेप्ट है। तो अगर एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो अगर अलग अलग तरह की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है और क्राफ्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो इन्वॉल्व होगी या फिर उनका जन्म होगा। ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने नियोलिथिक एज या फिर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था ना, तो मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ किस तरीके से जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर सरप्लस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर फिर से वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो मेगालिथिक कल्चर के जो लोग होंगे इनके लिए भी ये जो कंसेप्ट है ये सही होगा, है कि नहीं, कि जैसे कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो सेडेंटरी लाइफ अगर होगी, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो वेरियस काइंड्स ऑफ जो प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये मेगालिथिक कल्चर वालों के लिए भी फिर सही बैठता है। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो जन्मी है, जो राइज हुआ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अदर्स जो सोशल जो सोसाइटल जो नीड्स हैं उनकी, सोसाइटल नीड मतलब कि कोई भी जो नीड्स होंगी सोसाइटल नीड, जैसे कि एस्थेटिक कल्चरल वगैरह हो सकती है। अभी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से सिरेमिक का यूज़ करते थे तो क्या सोसाइटल नीड्स थी, क्या कल्चरल नीड्स थी, क्या इकोनॉमिक नीड्स थी। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो इमर्ज होती है ना वो सोसाइटल इकोनॉमिक कल्चरल नीड्स की वजह से ही जो है इवॉल्व इवॉल्व होती है या फिर राइज होती है। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ये लोग इन्वॉल्व थे, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी जैसे कारपेंट्री हो गए, स्मिथरी हो गए, पॉटरी मेकिंग, स्टोन कटिंग और अदर जो एक्टिविटीज थी जो कि सबसिस्टेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट थी इनके कल्चर का मतलब मैकेनिक कल्चर का, तो ये सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर जो टेक्नोलॉजी या फिर मतलब इंडस्ट्रियल एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो है ना ये लोग परफॉर्म करते थे। अभी एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सिरेमिक या फिर पॉटरी के बारे में डिस्कस, सिरेमिक पॉटरी, सिरेमिक मतलब कि एक तरीके की मिट्टी होती है, मतलब मिट्टी से बने हुए जो होते ना बर्तन वगैरह या फिर कोई भी चीज़ें, उसको हम सिरेमिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम पॉटरी, सिरेमिक मतलब यहाँ पे पॉटरी। तो सिरेमिक पॉटरी जो है ना, सिरेमिक पॉटरी ये मेगालिथिक कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, सॉरी कुछ तो भी गड़बड़ हो गया ना, सिरेमिक पॉटरी जो मेगालिथिक कल्चर के साथ एसोसिएटेड है उनको हम आगे अभी एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, इट वॉज अ व्हील टर्न पॉटरी, व्हील टर्न मतलब कि व्हील से बनाई हुई पॉटरी थी, व्हील टर्न पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर BRW। इसका जो आउटलुक था वो मोस्टली यूटिलिटेरियन था। यूटिलिटेरियन मतलब क्या होता है कि वो मतलब एस्थेटिक पर्पज से यूज़ नहीं करते थे, बस यूज़ के लिए मतलब डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं ना पॉटरीज के, उसके पर्पज से ही जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो थी ना वो यूज़ होती थी। मतलब अलग अलग तरह की पॉटरीज है मेगालिथिक कल्चर में आपको देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग पर्पज से यूज़ होती थी। कुछ पॉटरीज जो थी एस्थेटिक वैल्यूज वाली थी, कुछ जो थी वो यूटिलिटेरियन थी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डेली यूज़ के लिए उसे बनाया जाता था, ज़्यादा कुछ मतलब उसमें डिज़ाइन डेकोरेशन वगैरह नहीं होता था। तो इसी में से एक थी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। इसमें क्या होते थे तो बाउल्स, ठीक है, डिशेस, आप डेली लाइफ में खाना वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं डिशेस है ना, लीड्स, बेसिन्स, लेग जार्स। तो ये सब लेग जार मतलब कि वो होता है ना जार आप पकड़ते हो ऐसे पानी वगैरह पोर करने के लिए, ठीक है, तो वो लेग जार, लेग मतलब कि उसको पैर नहीं थे, उसको हैंडल होता है लेग जार इसका मतलब होता है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो थी वो मोस्टली क्या थी, यूटिलिटेरियन थी और व्हील टर्न थी, और कौन कौन से थे तो बाउल्स वगैरह मतलब इस तरीके के वो टाइप्स थे पॉटरी के। फिर रेड वेयर, तो रेड वेयर जो पॉटरी है ना ये भी यूटिलिटेरियन थी और लेग वेसल्स ज़्यादातर इसमें होते थे, रिंग स्टैंड, प्लेट्स एंड वेसेस। फिर बर्नीज जो ब्लैक वेयर पॉटरी जो थी ना ये भी व्हील शेप पॉटरी होती थी, मतलब व्हील पे बनाई हुई पॉटरी होती थी, सॉरी
अलॉन्ग विद द मतलब इसका जो सेप था वो यूटिलिटेरियन ही था जी। जो इसमें सेप हुआ करते थे वो थे इलॉन्गेटेड वैसेस, ट्यूलिप शेप लिड्स, ग्लोबलेट्स, स्पाउटेड वेसल्स एंड मिनीमोर्स। इट वॉज डेकोरेटेड विद बर्ड्स एंड एनिमल्स डिजाइन, मतलब इसमें थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन वगैरह वो होता था। फिर रसेट कोटेड पेंटेड वेयर है, मोस्ट अट्रैक्टिव पॉटरी थी और ये यूटिलिटेरियन नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना ये, तो अट्रैक्टिव है मतलब कि ज़्यादातर मतलब डेकोरेशन वगैरह इस पे इसके ऊपर होता था वगैरह, डेकोरेशन होता था जो लाइन्स थी, वेवी लाइन्स। वेवी लाइन मतलब जैसे कि समंदर की लाट मतलब जो वेव्स होती है ना उसकी तरह की, और अदर डिज़ाइन भी थी। तो ये मोस्टली जो है वो कल्चरल पर्पज़ के लिए या फिर रिलीजियस पर्पज़ के लिए या फिर एस्थेटिक पर्पज़ के लिए मतलब घर में बस सजा के रखने के लिए रसेट कोटेड पेंटेड पॉटरी जो है, क्योंकि मोस्ट अट्रैक्टिव थी ना तो ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह इसके ऊपर होता था। अभी जो ये जो बाकी की मतलब जितनी भी पॉटरीज हमने देखी ये वेल फैब्रिकेटेड थी और वेल पॉलिश थी, ऐसा नहीं कि बस मजबूत में बना दिया कुछ भी, मतलब क्वालिटी थी उनमें। और ये जो है ना लो टेम्परेचर पे उसको फायर करके जो है बना देते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता था पॉटरी बनाते। तो ये जो था ना सिरेमिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पॉटरी मेकिंग, सिरेमिक्स अलग अलग तरह की ब्लैक एंड रेड वेयर और बाकी भी जो पॉटरी हमने डिस्कस की। अभी जो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो पॉटरी आप देख सकते हो, ये देखिए पॉटरी इसमें कुछ रखते होंगे वो शायद, ये है पॉटरी यहाँ पे, ये पॉटरी है ये यहाँ पे पॉटरी के ऊपर फीमेल की इमेजेस मिल रही है कुछ, पॉटसर्ड विद द मोटिव ऑफ वुमेन, स्टॉक ऑफ पैडी, पैडी के स्टॉक, क्रेन, डियर एंड क्रोकोडाइल आदि चलानपुर, मतलब अलग अलग तरीके अपने कल्चर को डिपिक करते। और इन इमेजेस से हमें पता चल रहा है कि वो जो कल्चर जो था उनका वो इन मतलब ये शायद इनकी पूजा करते होंगे या फिर इनका कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंस होगा तभी तो इसके ऊपर आए ना, और इन्हें जानते भी होंगे वो मतलब इन एनिमल्स को वगैरह, तो इससे तो पता चलता है किसी भी कल्चर के बारे में। मतलब इसीलिए जो है ना पॉटरी वगैरह इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पॉटरी से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि वो जो लोग थे ना वो क्या सोचते थे, क्या करते थे। अभी पॉटरी ये भी एक तरह की पॉटरी है, आजकल जैसे कि पीने के लिए जो भी होती है ना बड़ा एक घड़ा होता है उस तरीके के कुछ तो भी ये होगा। तो पॉटरी आपने देख ली, अभी देख लेते हैं कारपेंट्री। कारपेंट्री मतलब कि जो वुड वगैरह से चीज़ें बनाई जाती हैं उसे एक हम कारपेंटर बोलते हैं। तो काइंड ऑफ वेराइटी इन वुडन मेड थिंग्स इंडिकेट अनदर स्किल्ड प्रोफेशन प्रैक्टिस बाय मेगालिथिक पीपल, मतलब जिस तरीके की आपको वुडन चीज़ें देखेंगे मतलब वुड से बनी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी उससे हमें पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा स्किल्ड जो है ना ये लोग थे, मेगालिथिक कल्चर वाले जो लोग थे उन्होंने वुडन में चीज़ों में कितना ज़्यादा स्किल जो है वो डेवलप किया था ये हमें पता चल रहा है कि जो वेराइटीज़ आपको मिल रही है वुड से बनी हुई चीज़ों से यहाँ से आपको पता चल रहा है। आर्कियोबॉटनिकल जो एविडेंसेज है ना वो शो कर रहे हैं कि दे हैड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लांट स्पीशीज लाइक अकाशिया, ब्रसिया, टीक, मतलब उन्होंने इन सारी ट्रीज के जो ट्रीज है ना इनके वुड को यूज़ किया होगा तभी तो एविडेंसेस मिले ना, जाहिर सी बात है। तो अलग अलग तरीके के प्लांट स्पीशीज वो यूज़ करते थे, वुडन प्लग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता था, जाहिर सी बात है आपको इसको इग्नोर कर नहीं सकते आज भी होता है यूज, ब्लैक कॉटन साइल वगैरह के मतलब प्लगिंग के लिए। तो इम्प्लीमेंट जो है ना इसमें जैसे कि जो कारपेंटर थे ये कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे वुडन का काम करने के लिए मतलब वुड वर्क के लिए, तो चिजेल्स थे, एक्सेस थे, वेजेस थे, हैमर्स वगैरह थे। द यूज़ ऑफ वुड वॉज डोमिनेंट एज इंडिकेटेड बाय ऑकरेंस ऑफ वुडन मेड थिंग्स इन द लार्ज नंबर लाइक्स यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन, टिम्बर वेयर, डेकोरेटिव, मतलब किस तरह से ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है डोमिनेंट इसका यूज़ होता था, प्रोमिनेंट या फिर डोमिनेंट बोल सकते हो, वुड का यूज़ वो करते थे अलग अलग पर्पज़ के लिए जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन में, टिम्बर और डेकोरेटिव पर्पजेज की वजह से, मतलब वुड का काफ़ी वो यूज़ करते थे। फिर मेटल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उन्हें कौन कौन से मेटल पता थे, तो गोल्ड पता था उन्हें, आयरन पता था, कॉपर पता था और सिल्वर पता था। आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं मेनी साइट्स एज अ प्रोडक्शन साइट फॉर दिस मेटल्स, मतलब ये जो मेटल्स थे वो जहाँ जहाँ पे प्रोड्यूस होते थे बनते थे मतलब कि स्मेल्टिंग वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा साइट जो है आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे मिली है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो लोग थे ना इन्हें स्मेल्टिंग वगैरह का नॉलेज था, ये हमें कैसे पता चल रहा है क्योंकि हमें मेटल ओर्स मिले, ट्रेसेस ऑफ कॉपर स्लैग मिले, जो कि मेटल जब मतलब स्मेल्ट करते हैं ना तो स्मेल्टिंग के दौरान जो है ना ये मतलब स्लैग वगैरह निकलता है, तो वहाँ से, और ओर तो वही होता है ना जहाँ से जिससे मेटल निकालते हो, जैसे कि अभी आयरन है तो आयरन ओर से निकलेगा, तो इससे इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि उन्हें स्मेल्टिंग पता था। वैसे भी स्मेल्टिंग तो चालू कर देगी से स्टार्ट हो चुकी है ना, तो जाहिर सी बात ही नहीं पता होगा। देर इज एविडेंस ऑफ लोकल स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एट ये साइट है कर्नाटका में, यहाँ पे स्मेल्टिंग वगैरह होती थी।
द फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ मेटल वॉज चारकोल पैडी हस्क एंड वुडन डंग। तो फ्यूल तो लगेगा स्मेल्टिंग के लिए, जैसे कि स्मेल्टिंग आपने देखा होगा उसके लिए फ्यूल लगता है। तो फ्यूल क्या यूज़ करते थे, चारकोल यूज़ करते थे। और पैडी हस्क मतलब जो आपका जो राइस होता है ना, राइस के जो होते हैं ना हस्क वो, और उड्डंग मतलब कि जो गोबर से बने हुए होते हैं, या फिर उड्डंग उड और डंग, डंग होना चाहिए उड और डंग, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट जो बनाए जाते थे मेटल्स से, जैसे कि एक्सेस, चिजेल्स, प्लग, शेयर्स, होई, सिकल एक्सेट्रा, काफ़ी आसान चीज़ें आप समझ सकते हो पढ़ के। देर आर कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटल्स, मतलब ब्रॉन्ज मेटल से बने हुए आर्टिफैक्ट भी देखने को मिलेंगे, यूटेंसिल है, बाउल है, बैंगल्स है। कॉपर से जो बने हुए जो वेसल्स एंड ऑर्नामेंट जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऑर्नामेंट जो है गोल्ड से भी बनते थे। ओके, आर ओ शायद काम नहीं कर रहा है, ठीक है आप समझ सकते हो। गोल्ड जो है ना, गोल्ड का इस्तेमाल आज भी होता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, तब भी होता था। लेकिन सिल्वर जो है ना, सिल्वर काफ़ी कम वो इस्तेमाल करते थे। और आयरन की बात हम अलग से करेंगे, आयरन को हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं जब हम मतलब अलग से जो हमारा टॉपिक है ना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आयरन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से समझ सकते हो डेवलपमेंट ऑफ आयरन इंडस्ट्री। तब हम आयरन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, स्मॉल छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं, काफ़ी मतलब कुछ खास था नहीं इसमें, और इसलिए थोड़ी एनर्जी लेवल भी थोड़ी डाउन है आज। तो बस हमने आज दो सबसिस्टम पैटर्न को कवर कंप्लीट कर लिया, एक तो हंटिंग एंड फिशिंग और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी वगैरह वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया। तो अभी हमारा क्या बचा है, तो अभी हमारा इस लेक्चर में ट्रेड एंड मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ट्रेड एंड एक्सचेंज टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स, या फिर टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लास्ट लेक्चर में भी कर लेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा ट्रेड एंड एक्सचेंज, सोसाइटी एंड सेटलमेंट पैटर्न, पॉलिटिकल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ। तो ये चार टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। फिर बचा हुआ जो लेक्चर होगा उसमें फिर टाइप्स ऑफ मेगालिथ, लीगेसी ऑफ मेगालिथ एंड लिमिटेशन ऑफ दिस कल्चर ये आएगा। और जो लास्ट आएगा स्पेशल टॉपिक, स्पेशल लेक्चर वो आएगा इसके ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए स्पेशल इसके ऊपर लेक्चर आएगा। तो तीन लेक्चर और आएंगे मेगालिथिक कल्चर के ऊपर, ठीक है। हम काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर डिस्कस करते हैं, मतलब छोटे लेक्चर होते हैं हमारे, ताकि आपको जो है कोई तकलीफ ना हो, कोई मतलब वीडियोस बोरिंग लगते हैं ना ज़्यादा बड़े हो, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो जो है बनाता हूँ। इससे क्या है, आपको भी बोरिंग नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी कहा जाता है बोरिंग सब्जेक्ट है, और ज़्यादा मुझे भी थोड़ी एग्जॉशन जो है ना होता नहीं है, तो इसकी वजह से जो लेक्चर छोटे होते हैं। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।